महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास टोल नाके पर आज मुंब्रा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 6 नशा करने वालों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि PSI हर्षद काले, पुलिस नायक गोड़ के, पुलिस नायक राजपूत, कांस्टेबल जाधव, ये लोग मुंब्रा बाईपास पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी दौरान दोपहर के वक्त में मुंब्रा बाईपास टोल नाके पर अटलांटा द्वारा जब टोल टैक्स वसूली किया जाता था उस वक्त एक ऑफिस बनाई गई थी। दरअसल वो ऑफिस खाली पड़ी हुई है और उसी में करीब 5 से 6 की संख्या में नशा कर रहे थे और मुंब्रा पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंब्रा बाईपास पर लगातार लूटपाट और गाड़ियों की बैटरी चोरी होने की खबर मुंब्रा पुलिस को लगातार मिल रही थी और आज मुंब्रा पुलिस कार्रवाई करते हुए 6 नशा करने वाले लोगों को पकड़ा है जबकि एक भागने में कामयाब रहा। PSI हर्षद काले अपनी टीम के साथ लगातार नशा बेचने और नशा करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में मुंब्रा बाईपास टोल नाके के पास आज नशेड़ियों को आज दोपहर के वक्त में ही पकड़ा गया है। 6 की संख्या में ये नशेड़ी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक इनके पास से कितना नशीला पदार्थ मिला है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और इनसे पुलिस आगे पूछताछ कर रही है। बहरहाल इन 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अपने साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन लेकर गई। सर कितने लोग हैं ये? 5 लोग हैं। क्या क्या नशा कर रहे हैं? देख सकते हैं आप, एक बुजुर्ग आदमी भी यहाँ पे है। हम लोग ने यहाँ पे कार्रवाई शुरू की है मुंब्रा में। कितना कुछ मिला इन लोग के पास से? हाँ, अभी इसकी कस्टडी में हम लोग चेक करेंगे, इनका मेडिकल भी किया जाएगा, उसमें पता चलेगा कि इन्होंने किस टाइप का नशा किया था, क्या कंज्यूम किया था। सर इस तरह के ये लोग, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ पर ऐसा खबर आ रही है कि मतलब यहाँ पर ये लोग रात में भी रहते हैं और ऐसे कभी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये मुंब्रा में बहुत जगह पर ऐसा सारी चीज़ें चल रही है तो हम लोग इसीलिए स्पेशल टीम बना के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अभी यही हमारे अभी ये डे पेट्रोलिंग में हमको ये पता चला था कि यहाँ पे कुछ लोग बैठ के नशा कर रहे हैं। तो अभी इसी तरह हम लोगों ने इनको अभी कस्टडी में लिया है, इनका मेडिकल करके जो आगे की योग्य कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।